सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, तो पिछली बार हमने कंप्लीट कर लिया था सिनो रीजन का 8th जिम बैच। तो ये रहे मेरे कुछ पोकेमॉन जिनमें से गलती से मैंने बुई जेल को विकसित कर दिया था फ्लोट जेल में। कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे पोकेमॉन इवॉल्व ना हो, जो कि ऐश के पोकेमॉन इवॉल्व नहीं हुए थे। तो देखते हैं कि बैग में क्या है। सबसे पहले तो अब मुझे जाना है अपने सिनो लीग में, ताकि मैं सिनो लीग जीत पाऊँ। वैसे जीत तो नहीं सकता, पर टोबियास तक तो जरूर पहुंच सकता हूँ। तो इस तरफ से हमें मिलेगी हमारी डॉन। Guess what, Ash? मैंने ग्रैंड फेस्टिवल में कंपीट किया और मैं रनर अप आई। No need to tension, because मैं इससे खुश हूँ। और तुमने अपना लास्ट बैच जीत लिया सिनो लीग के लिए। Congratulations, Ash. चलो अब देखते हैं कि हम में से कौन स्ट्रॉन्गर है। तो ये हमसे बैटल करना चाहते हैं, हाँ? देखते हैं कि कौन जीता है। तो इसकी टीम काफी तगड़ी हो चुकी होगी अब तक। देखते हैं कि इसका पहला पोकेमॉन कौन सा है। पिकलब, हाँ, वो भी 47 लेवल का। क्लोज कॉम्बैट करके देखते हैं। और ये हार गया पहली अटैक में, ये हार गया, वो भी वाटर टाइप होने के बावजूद। तो इसका दूसरा पोकेमॉन है टोगेकिस, जिसको हम हराएंगे फिर से एक बार प्लेयर ब्लिट्स के साथ। और कुछ भी नहीं हुआ इसको, ये तो हारना चाहिए था। एयर स्लैश गया हमारा इन्फर्निप। अब इसके सामने हम पोकेमॉन निकाले, फ्लोट जेल को निकालते हैं और इस पर हम करेंगे वाटर पल्स, जिससे ये हार जाएगा। ओ, फिर से बच गया एयर स्लैश। हाँ, एक्वाजेट करके इसे हरा देते हैं। तो टोगेकिस हार चुका है। तीसरा पोकेमॉन कौन सा है देखते हैं। पाचीरिज़ो, हाँ, इसके लिए हम निकालेंगे गीबल को। हम यूज करेंगे डिग अटैक, देखते हैं कि कोई काम का है या नहीं। सुपर फैंग, ये भी बहुत ही क्रिटिकल हिट दे रहा है। सही बात है, वैसे भी हमारा गीबल 42 लेवल का ही है। और आइस बीम से हमारा गीबल हार चुका है बनेरी से। कोई बात नहीं, हम टॉर्टेरा का यूज़ करेंगे। वैसे टॉर्टेरा तो ग्रास टाइप है, फिर भी अर्थवेक से ये हार जाएगा। ओ नो, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी और हमारा टॉर्टेरा भी हार चुका है। डॉन बहुत ताकतवर हो चुकी है यार। चलो स्टराइप्टर को चुन के हम क्लोज कॉम्बैट करके इसको ख़त्म कर देते हैं। क्लोज कॉम्बैट एक बार करके देखते हैं। और ये बनेरी हार चुकी है और हमारा डिफेंस भी फेल हो चुका है। अगर इस पर कोई आइस टाइप या फिर इसके खिलाफ जो ताकतवर अटैक है वो होगा तो ये हार जाएगा आइस शार्ट। और ये हमारा स्टराइप्टर हो, बच गया बच गया। क्लोज कॉम्बैट से मोमोस्वाइन हारना चाहिए था, पर हारा क्यों नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ये पाचीरिज़ो आया सामने, इस पर कुछ भी नहीं होगा। पता नहीं क्यों ये किस टाइप का है, वो आप मुझे कमेंट में बता देना। एरियल लेस से भी कुछ भी नहीं हुआ, तो डिस्चार्ज से इसने ही मुझको हरा दिया है। तो मेरी आधी टीम इसने हरा दी यार। पिकाचू इनको संभाल पाएगा। आयरन टेल, ओ आयरन टेल से तो ये हार गया। मोमोस्वाइन को भी हम आयरन टेल से ही हराएंगे। आइस चार्ट, इसकी टीम बहुत ताकतवर हो चुकी है। तो ये क्या लास्ट पोकेमॉन था? नहीं, एक पोकेमॉन बचा है जो कि है सिंडकविल, जिसको हम हराएंगे थंडरबोल्ट के साथ। सिर्फ एक ही अटैक में हारना चाहिए ये। हाँ, हार गया। तो डॉन हार चुके। तुम बहुत स्ट्रांग हो ऐश, गुड लक फॉर लीग। थैंक्स डॉन। तो चलते हैं हमारे लीग की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। लिली ऑफ द वैली, चलो हम चलते हैं लिली ऑफ द वैली। तो यहाँ पर तो घास फूस है थोड़ी सी, और हमेशा की तरह यहाँ पर टीम रॉकेट है जो कि इनके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम इनसे ले लेते हैं एक हार्ड स्केल, ताकि ये कुछ ना कुछ कमा तो पाए। 90,000 पॉकेट डॉलर का रखा है यार इन्होंने, कुछ नया तो नहीं बेचेंगे ये। तो देखते हैं इस तरफ कौन है। तो यहाँ पर हमारा पुराना दोस्त ब्रॉक है। वाओ, पुराना दोस्त ब्रॉक यहाँ पर है। चलो अंदर क्या है देखते हैं। ऐश, तुम यहाँ तक पहुँच गए, तो लगता है तुम्हें सारे बैचेस मिल चुके हैं। पॉल भी यहाँ पर है, हम एक जगह पर जरूर लड़ेंगे, तब तक हारना मत, ओके? तो ये तो हर बार की तरह बकवास फेंक रहा है। तो सबसे पहले हम मिलते हैं अपने नर्स जॉय से साथ। तो नर्स जॉय कैसी है आप? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे पोकेमॉन को हील कर लेती हूँ। हर बार मैं जब इनसे मिलता हूँ तब ये मुझे भूल जाती है, पता नहीं क्यों। तो ये हमारी पोकेबॉल हील हो चुकी। तो ये तुम हो, जल्दी मत हारना। हम बिल्कुल जल्दी नहीं हारेंगे, हम तुमसे जीतेंगे पॉल, देखना तुम। चलो बाहर जाके ब्रॉक के साथ थोड़ी देर बोलते हैं। मुझे तो पता ही था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, पर मुझे एक बैटल करना है तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाए। हाँ क्यों नहीं ब्रॉक, जल्दी से बैटल शुरू करो। तो तुम्हारा पहला पोकेमॉन कौन सा है? सुडोवूडो, इसे हम हराएंगे क्लोज कॉम्बैट से साथ। और सुडोवूडो हार चुका है सिर्फ एक ही अटैक में। तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन जरूर से क्रोगंक होगा, देखते हैं कि कौन सा पोकेमॉन निकालेगा ये। हाँ, जरूर से क्रोगंक ही है, और इसे हम हराएंगे फ्लेम थ्रोड के साथ। और ये हार चुका है।
तो थर्ड पोकेमोन होगा इसका हैपनिंग। ओ ये तो इवॉल्व हो चुका है चैंसी में, तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकते हैं क्लोज कॉम्बैट करके देखते हैं। और ये सुपर इफेक्टिव था और हमें देखते हैं कि कितने एक्सपीरियंस पॉइंट मिले। ओ वाओ हमें तो 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। तो चलो चलते हैं हमारे लीग की तरफ, देखते हैं कि अंदर और कौन है। तो सबसे पहले मैं अपने पोकेमोन को हील कर लेता हूँ। नर्जो ये लो मेरे पोकेमोन। तो अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने पोकेमोन को कुछ ना कुछ दूँ, जैसे कि फिस्ट प्लेट जिससे फाइटिंग टाइप मूव्स बढ़ते हैं, मैं अपनी इन्फरनेप को दूंगा, या फिर फ्लेम प्लेट। हाँ फ्लेम प्लेट देना चाहिए ना मुझको। कहाँ गया मेरा फ्लेम प्लेट? हाँ मिल गया। ऐसे ही करके मैं सारे प्लेट्स मेरे पोकेमोन को दूंगा, जैसे कि गिबल को मैं ही दूंगा ड्रैगन प्लेट, कुछ तो भी ऐसा ही नाम था ना ड्रैगन प्लेट। स्प्लैश प्लेट दूंगा मैं अपने फ्लोर सेल को। तो मैंने सारे प्लेट्स दे दिए हैं अपने पोकेमोन को। तो अब हमारी बारी है कि हम पोकेमोन लीग में रजिस्टर कर ले। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर कर लेता हूँ अपने पोकेमोन्स को। तो हमारा पहला बैटल है फार लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इधर उधर क्या चल रहा है, देखते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ खास तो चल नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर जाके यस कर देते हैं, हम रेडी हैं। चलो एक ऐसा बैटल करते हैं ताकि हमारे पोकेमोन गाने लगे। हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही बैटल करेंगे। तो हम चुनेंगे गिबल को, फिर टॉर्टेरा को, और फिर हमारे स्टारैप्टर को, क्योंकि वो बहुत कम लेवल पर है। तो चलो बैटल शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि इसका पहला पोकेमोन कौन सा है। तो इसका पहला पोकेमोन है रोजरेड। तो हमारा गिबल तो इसको नहीं हरा पाएगा, फिर भी एक बार ड्रैकोमेटियर यूज़ करके देखते हैं। तो इससे कुछ भी नहीं हुआ, तो हम यूज़ करेंगे अपने स्टारैप्टर को। तो इससे हम यूज़ करेंगे ब्रेव बर्ड करके देखिए क्या। ओ मैजिकल लीफ, इससे कुछ भी नहीं होगा, ब्रेव बर्ड करके इसको हरा देंगे, क्योंकि ये एक ग्रास टाइप पोकेमोन है तो ये हार जाएगा जल्दी से। तो ये 47 लेवल पर जा चुका है हमारा स्टारैप्टर। तो इसका सेकंड पोकेमोन कौन सा था, मैंने देखा ही नहीं। चलो चलो टॉर्टेरा को बुलाते हैं। ओ ये तो आर्माल्डो था। अर्थक्वेक करके देखते हैं। अर्थक्वेक से तो कुछ भी नहीं हुआ, एक्सीजर से बहुत कुछ हुआ हमारे टॉर्टेरा को। तो हम यूज़ करेंगे वुड हैमर जिससे कि ये हार जाए, और हार गया और हमारा टॉर्टेरा भी हार गया। इसका लास्ट पोकेमोन कौन सा है मुझे पता नहीं, शायद वो क्रिकेट ट्यून होगा। तो गिबल का यूज़ करें या स्टारैप्टर, स्टारैप्टर का ही यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि ये ब्रेवबर्ड से हारता है या नहीं। तो ये हार चुका है, हमने हरा दिया है फर्स्ट ट्रेनर जो कि है नैंडो। म्यूजिक टू माय इयर्स। तो हमने अपनी पहली मैच जीत ली है। तो हमारी नेक्स्ट बैटल होगी यहीं पर शायद से। तो सबसे पहले मैं अपने पोकेमोन को हील कर लेता हूँ ताकि कोई रिस्क ना उठा सके हम। अगर हम हार जाएंगे तो हमारा गेम शायद एरर दिखाएगा। फिर से हम जाते हैं वही ताकि हम कम्पीट कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, क्या पता अगर मैं हार गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे गेम के साथ। तो यहाँ पर टॉप 32 के लिए मैच होने वाला है। तो ये कौन है पता नहीं, गुड लक बोल दिया है इसने। तो हमने यूज़ किया है गिबल, टॉर्टेरा और स्टारैप्टर को। तो देखते हैं कि हम जीत पाएंगे या नहीं। तो इसका पहला पोकेमोन कौन सा होने वाला है। हाँ ये तो नाइस ही है, इसका नाम मुझे सुना सुना लग रहा है। तो सबसे पहले मैं एक गिबल को हटा के स्टारैप्टर को ले लेता हूँ, और इस पर हम यूज़ करेंगे अपना ब्रेव बर्ड अटैक ताकि ये हार जाए। तो ट्रैंक ग्रोथ क्या हार जाएगा? ओ थोड़ा सा बच गया, पर हमारा स्टारैप्टर हार चुका है। कोई बात नहीं, हम यूज़ करेंगे अपने टॉर्टेरा को हम यूज़ करेंगे, और उससे हम करवाएंगे अर्थक्वेक अटैक, और इससे हमारा सामने वाला पोकेमोन हार चुका है। और इसके बाद है ग्रम्पिक जिसे हम हराएंगे वुड हैमर के साथ, देखते हैं कि ये हार पाएगा या नहीं। तो इसकी थोड़ी सी एचपी बच गई है, तो हमें इसे फिर से एक बार हराना होगा वुड हैमर से। ओ इसने तो रेस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, अब हम यूज़ करेंगे रेजर लीफ। ओ ये तो पूरी तरीके से हार गया है। तो लास्ट पोकेमोन बचा है जो कि है शेलॉस, ये तो वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि वुड हैमर से हार जाएगा। तो हमारा टॉर्टेरा 5 HP पर बच गया है। तो ये हमारी मैच, सेकंड वाली मैच हमने जीत ली है। तो हमारी थर्ड वाली मैच भी यहीं पर होगी। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार अपने पोकेमोन को हील कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपने पोकेमोन को हील कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट ट्रेनर कौन होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर, ओ यहाँ पर हमारी मैच नहीं है, ये क्या हो रहा है, रजिस्टर्ड नहीं हूँ मैं।
शायद इस तरफ होगी। तो सबसे पहले मैं अपने गेम को सेव कर लेता हूँ, देखते हैं कि इस तरफ कौन है। टॉप 16 के लिए ये एक फाइट है, तो देखते हैं कि इसके अंदर कौन होगा। हेलो ऐश, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो चलो अपनी बैटल शुरू करते हैं। हाँ, तो पिछली बार की तरह हम फिर से एक बार ये 3 पोकेमोन को यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कि इस बार मैं इससे जीत पाऊँगा या नहीं। ये है कॉनवे। ठीक है, इस कॉनवे को हम हरा देंगे। तो इसका पहला पोकेमोन है शकल, जो कि एक रॉक टाइप और बक टाइप पोकेमोन है, जिसे हम हराएंगे ड्रैकोमीटियोर से। और इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो क्रिटिकल हिट था यार, मतलब किसी काम का नहीं है हमारा ड्रैकोमीटियोर। फिर से एक बार यूज़ करके देखें क्या। ड्रैगन पल्स से भी कुछ भी नहीं हुआ, गायरो बॉल से तो हमारा गीबल हार चुका है, ये कैसे हो सकता है। तो अब टॉर्टेरा को यूज़ करेंगे, ये एक रॉक टाइप पोकेमोन है, तो वुड हैमर से काम होना चाहिए। हो गया, तो शकल हार चुका है वुड हैमर से। तो इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा होगा? लिकी लिकी। तो हम इसे हराएंगे फिर से एक बार, अर्थक्वेक्स के साथ हराएंगे, और इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो अब फिर से हम यूज़ करेंगे वुड हैमर। अब हम यूज़ करेंगे रेजर लीफ, ताकि हमारे टॉर्टेरा की हेल्थ जा ना पाए। तो गलती से मैंने वुड हैमर कर दिया, सॉरी। तो इसका नेक्स्ट पोकेमोन है डस्कनॉयर, जिसको हम हराएंगे वुड हैमर से फिर से एक बार। तो डस्कनॉयर क्या हमें हरा देगा? तो इसने हमें हरा दिया है। अब हम यूज़ करेंगे स्ट्रैप्टर को, तो इस पर हम यूज़ करेंगे ब्रेव बर्ड, ताकि ये हार जाए एक ही बार में। तो डस्कनॉयर हार चुका है यार। तो हमने अपनी तीसरी बैटल भी जीत ली है, देखते हैं कि नेक्स्ट कौन है। What just happened? मुझे नहीं पता दोस्त। तो हमने ये वाली मैच जीत ली है, तो देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट मैच टॉप 8 है, मतलब हम लड़ने वाले हैं पॉल के साथ। तो इस बार बहुत ही मज़ा आएगा, देखते हैं कि कौन जीतेगा, पॉल या मैं। तो सबसे पहले मैं अपने गीबल को रख देता हूँ पीसी में, ताकि मैं अपने ग्लाइस्कोर को ले सकूं और जैसे पोकेमोन एनिमे में हुआ था वैसे ही दोहरा सकूं। तो हमने ग्लाइस्कोर को ले लिया है एमसी कैन से, जो कि एक एयर बैटल मास्टर है। तो ये रहा हमारा ग्लाइस्कोर, जिसे हम देंगे एक प्लेट, नहीं इसे हम दे देंगे एक रेजर फैंग। तो हमने इसे रेजर फैंग दे दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे मैच की तरफ, तो देखते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। तो बीच में से जाना होगा, नहीं शायद इस तरफ से, हाँ इसी तरफ से जाके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ, ताकि मैं रिस्क ना उठा सकूँ। तो देखते हैं कि ओ यहाँ पर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मतलब मुझे यहाँ पर जाना है। तो टॉप 8 की फाइट यहाँ चल रही है, तो देखते हैं कि यहाँ क्या होता। फाइनली अब देखते हैं कि किसका आइडियल स्ट्रॉन्गर है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर है, पॉल। तो ये 6 vs 6 मैच है। तो इसका पहला पोकेमॉन है एग्रॉन, इसके खिलाफ हम निकालेंगे टॉर्टेरा और यूज़ करेंगे अपना वुड हैमर अटैक, ताकि ये हार जाए। और ये आधी से भी ज़्यादा एचपी इसकी जा चुकी है। ओ डबल एज अटैक, कोई बात नहीं, फिर से एक बार वुड हैमर करके इसको हरा देंगे। नहीं नहीं हरा ये, कोई बात नहीं, रिजर्व कर लेंगे हम। और ये एग्रॉन इसका फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है, और हमारा टॉर्टेरा 49 लेवल तक पहुँच चुका है। इसका सेकंड पोकेमॉन है फ्रोस्लैश, ओ इसने हमें आइस बीम से हरा दिया है। कोई बात नहीं, हम इसे हराएंगे अपने इन्फर्निप के साथ, नहीं पहले ग्लाइस्कोर को चुनते हैं। तो यूज़ करेंगे स्काई अपरकट, आइस शार्ड, ओ नो, वाओ बच गए। अरे यार ये तो घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, मैं भी भूल गया था, कोई बात नहीं, एक्रोबैटिक्स यूज़ करके देख। इसने हमारे ग्लाइस्कोर को तो हरा दिया है, कोई बात नहीं, हम इन्फर्निप का ही यूज़ करेंगे और इसको हरा देंगे फ्लेम थ्रोर के साथ। और आइस शार्ड से हमारे इन्फर्निप को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है। और हमने हरा दिया है फ्रोस्लैश को। देखते हैं कि इसका सेकंड पोकेमॉन या फिर थर्ड पोकेमॉन कौन सा है। ये तो है गैस्ट्रोडॉन, इसे हम हराएंगे अपने स्ट्रैप्टर के साथ। तो यूज़ करेंगे ब्रेव बर्ड, इससे कुछ होगा क्या? हाँ बहुत कुछ हुआ यार, बॉडी स्लैम, इससे कुछ भी नहीं होगा। एक बार फिर से यूज़ करेंगे क्लोज कॉम्बैट करके देखते हैं। मडी वाटर से हमारा स्टराप्टर हार चुका है, कोई बात नहीं, हम यूज़ करेंगे फ्लोट जेल को। फ्लोट जेल का हम यूज़ करेंगे सोनिक बूम यूज़ करके, क्या नहीं वाटर पल्स की यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ करेंगे अब सोनिक बूम, ताकि ये हार जाए, क्योंकि ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। और ये हमने वाटर पल्स से इसे हरा दिया है। तो इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है? इलेक्ट्रीवायर, इसको हम हराएंगे अपने इन्फर्नेप के साथ।
तो हम यूज करेंगे प्लेयर ब्लिट्स इस पर। और इलेक्टिवायर हार चुका है, नहीं हारा, इसने हम पर थंडर पंच कर दिया। ओ हमारा इन्फर्नेप बच गया है यार। ओ तो हमने हरा दिया है इसके इलेक्टिवायर को। देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है। तो ये है ड्रैपियन, तो इसको हम हराएंगे अपने फ्लोटजेल के साथ। तो हम इस पर यूज करेंगे वाटर पल्स। अब हम इस पर यूज करेंगे एक्वाजेट, पर हम हार चुके हैं, कोई बात नहीं, हम यूज करेंगे पिकाचू को। और इस पर हम यूज करेंगे थंडर बोल्ट, और ये ड्रैपियन हार चुका है, क्या बात है। आखिरी पोकेमॉन है इसका निंजास, जिसको हमारा इन्फर्नेम हरा देगा। और फ्लेम थ्रो से हार चुका है, वाओ इन्फर्नेम 12 एचपी पर बच चुका है, और हमने ऑल के सारे पोकेमॉन हरा दिया है। तो ये हार चुका है यारो, हमने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन राइवल को हरा दिया है। तो ये ब्रांडर से लड़ने जा रहा है, ठीक है, बाय बाय। आखिरकार हमने पॉल को हरा दिया है, तो हमारा नेक्स्ट विरोधी कौन सा होगा पता नहीं। तो अब मैं अपने सीक्रेट पोकेमॉन को यूज़ करूँगा, जो कि मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ। तो आपको बताना है कि वो सीक्रेट पोकेमॉन कौन सा है, वो भी कमेंट बॉक्स में। और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा करेक्ट आंसर, उसको मैं अगले वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो ये सेमीफाइनल है, देखते हैं कि कौन है। ये तो है टोबियास, आई लुक फॉरवर्ड टू अवर बैटल। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि कौन जीतेगा। तो ये 6 vs 6 है, पर इसके पास सिर्फ दो पोकेमॉन है, जो कि है डार्करॉय और इसका लैटियास। तो ये रहा डार्करॉय, जिसको हम हराएंगे वुडहैमर के साथ, और इसने आइस बीम करके हमारे टॉर्टेरा की बैंड बजा दी है, और इसकी वाट लग गई है हमारे टॉर्टेरा की। और फिर है हमारा स्टरैप्टर, देखते हैं कि ये हमारी मदद कर पाएगा या नहीं। फिर से एक बार प्रयोगवर्त करने के बाद भी हम इसे हरा नहीं पाए। तो चलो देखते हैं कि ग्लाइस्कोर कुछ कमाल दिखाता है या नहीं। चलो एक बार फिर से एक्रोबैटिक्स यूज करके देखते हैं, और डार्क पल्स से ओ बच गया, पर फ्लिंच हो गया था यार ग्लाइस्कोर, एक बार लग जाता तो वो पूरा हार जाता शायद डार्क राय। तो देखते हैं हेराक्रॉस इसे हरा पाएगा या नहीं। मेगा हॉर्न यूज करके देखते हैं, डार्क पल्स से तो ये बच गया, देखते हैं कि डार्क राय हारेगा या नहीं। तो हमारे हेराक्रॉस ने हरा दिया है डार्क राय को, वैसे ऐश के हेराक्रॉस ने तो हराया नहीं था। तो हमारे लैटियोस ने हमारे हेराक्रॉस को हरा दिया है, तो सेप्टाइल इसे हरा पाएगा या नहीं, देखते हैं। डुअल चॉप करके देखते हैं, ये एक ड्रैगन टाइप मूव है, जो कि एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के सामने बहुत ताकतवर है। तो हिस्ट्री में पहली बार सेप्टाइल ने हरा दिया है एक लेजेंडरी पोकेमॉन को, जो कि है हमारा लैटियोस। तो हमने हरा दिया है टोबियास को, पर एज स्टोरी लाइन हम हार चुके हैं टोबियास से। तो हम इस साल टॉप 4 तक आए हैं, तो हमें अगले साल फिर से एक बार कम्पीट करना पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने पोकेमॉन को मैं हील कर लेता हूँ, और निकलते हैं प्रोफेसर ओक की तरफ। तो हमारी जर्नी ये वाली सिनो वाली यहीं पर ख़त्म हो चुकी है यारो। तो चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। तो बाहर हमारा ब्रॉक इंतज़ार कर रहा है, तो हाँ ये बोल रहा है कि हमें अपने घर जाके ओक को बताना चाहिए कि हमने लीग में कैसे परफॉर्म किया। तो चलो वापस चलते हैं हमारे घर। तो सबसे पहले सनी शोर जाएंगे, फिर हमारे घर जाएंगे। तो यहाँ से हमें जाना है सैंड जेम, और यहाँ से मुझे लैब मिलेगा, वो भी प्रोफेसर का लैब। तो देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ये तो वही घिसी पिटी बात कह रहे हैं। तो हम वापस घर जाते हैं कैंटो में, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। I am proud of you. Thanks, mom. हमें विश करने के लिए थैंक्स, ये तो मिस्टर माइम था। चलो चलते हैं प्रोफेसर ओक के पास, और यहाँ पर वैसे के वैसे ही यहाँ पर ड्रेसी है, कुछ नया डायलॉग दिया है क्या इसको, अभी इसी पीटी बात ही कह रहा है। तो चलो प्रोफेसर ओक से बात करते हैं। तो ऐश, तुमने कंप्लीट कर लिया है सिनोरिजन, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्यों ना तुम मेरे साथ यूनोरिजन चलो। तो तुम्हें अब जाना है वेरिडियन सिटी, जहाँ से तुम्हें एक ब्लिंप ले जाएगी यूनो ओरिजिन में।
और हर बार की तरह ये लो तुम्हारा नया आउटफिट। तो हमें मिल गए हैं नए कपड़े, देखो हमारे नए कपड़े कितने अच्छे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि है हमारा यूनोवा रीजन का पहला एपिसोड, जो कि जल्द ही आएगा मेरे चैनल पर। तो तब तक के लिए मैं अपने पोकेमोन का गेम सेव कर लेता हूँ, फिर मैं अपने सारे पोकेमोन को अपने पीसी में डिपॉजिट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सारे पोकेमोन को डिपॉजिट कर लिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।